पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि इस पानी का ढंग कैसा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पानी पर, और इस सीरीज को हम करेंगे दो वीडियो में। पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे पानी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, कुछ फैक्ट्स जो हैरान करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इस पानी का हमारी सेहत से क्या सीधा संबंध है। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। पानी पर बात होगी तो बिल्कुल पानी जैसी होगी, बहुत आसानी से सरक जाएगी, राइट। दोस्तों फैक्ट नंबर वन, इस धरती पर आज भी उतना ही पानी है जितना तब था जब ये धरती बनी थी। बहुत हैरान करने वाली बात है फैक्ट नंबर टू, 97% पानी जो इस धरती पर मौजूद है वो पीने योग्य नहीं है, वो नमकीन है, खारा है, सॉल्टी। वो कहां मौजूद है? महासागरों में, समुद्र में। फैक्ट नंबर थ्री, जहां भी पानी मौजूद होगा वहां आपको जीवन अवश्य मिलेगा। फैक्ट नंबर फोर, इस धरती के टेम्परेचर को पानी ही रेगुलेट करता है। यदि पानी का यह फंक्शन न रहे तो हम सब भस्म हो जाएंगे। फैक्ट नंबर फाइव, सभी जीवों के शरीर में पानी पाया जाता है, सभी, और हर जीव के शरीर का मेजर पार्ट पानी होता है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, या फिर कीटाणु जीवाणु हो। फैक्ट नंबर सिक्स, ये एक ऐसा फैक्ट है जो पानी को साइंस के खिलाफ बना देता है, यानी कि पानी का ये फैक्ट साइंस को डिसप्रूव कर देता है। और वो ये है कि पानी जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड होता है। इस पानी के अलावा जितनी भी चीजें लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी सिकुड़ती हैं, लेकिन पानी जब बर्फ का रूप लेता है तो वो फैल जाता है। इसी तरह से एक और फैक्ट है जो साइंस को धता बताता है पानी के बारे में। फैक्ट नंबर सेवन, यदि आप पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए रखें और दो ट्रे में पानी लें, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, बताइए कौन सी बर्फ पहले जम जाएगी, गर्म पानी वाली या ठंडे पानी वाली? तय कर लिया आंसर? गर्म पानी वाली इसका सही जवाब है। और साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा कैसे होता है कि गर्म पानी पहले बर्फ में तब्दील हो जाता है वनस्पति ठंडे पानी के। फैक्ट नंबर एट, ये फैक्ट हम सभी पहले से जानते हैं, हमारा जो शरीर है ये करीब करीब 70% पानी है। एंड फैक्ट नंबर नाइन, जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारे शरीर का जो भी वजन होता है, एक नवजात शिशु का जो भी वजन होता है, उसका 80% पानी होता है, पानी। फैक्ट नंबर टेन, हमारे इस पृथ्वी का 71% सरफेस एरिया पानी से ढका हुआ है, यानी कि केवल 29% हिस्से में आबादी, पहाड़, पर्वत और जंगल, ये सब मौजूद है, 71% पे पानी। फैक्ट नंबर 11, साल 2025 तक दुनिया की आधी आबादी पानी की कमी झेल रही होगी, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी आधी आबादी को। फैक्ट नंबर 12, 2030 तक दुनिया में 700 मिलियन लोगों को पानी की वजह से अपना रिहायशी स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां पानी नहीं मिल रहा होगा।
और फैक्ट नंबर 13, 2040 तक हर चार में से एक बच्चा ऐसे स्थान पर रह रहा होगा जहां एक्सट्रीमली हाई शॉर्टेज होगी पानी की, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी वहां पर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि छोटे बच्चों के जीवन भी खतरे में पड़ जाएंगे 2040 तक पानी की कमी की वजह से। फैक्ट नंबर 14, और यह बड़ा मजेदार है, यदि आप 5 मिनट तक शावर के नीचे नहाते हैं तो आप 15 से 25 गैलन पानी बहा देते हैं। हैरानी हो रही है ना सुनकर। और इतना ही नहीं, यदि आप 10 मिनट तक नहा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में जो शावर के नीचे मजा लेते हैं, तो उस 10 मिनट में लगभग 40 गैलन पानी बह जाता है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह कि यदि आप ब्रश कर रहे हैं और नल को खुला छोड़े रखते हैं तो उतनी देर में 5 गैलन पानी बह जाता है। दोस्तों, समय आ गया है कि हम पानी के प्रति बहुत सजग हो जाएं और जितना किफायत कर सके उतनी करें, जितना बचा सके उतना बचाएं, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी इस पानी की शॉर्टेज के लिए। फैक्ट नंबर 15, यदि कोई ऐसा नल है जो पूरी तरह बंद नहीं होता और उसमें एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, या कोई और ऐसी जगह जहां लीकेज है और सिर्फ एक एक बूंद पानी गिर रहा है, जानते हैं दिन भर में कितना पानी गिरेगा? करीब करीब 75 लीटर पानी बह जाएगा उस एक एक बूंद से। और सोच के देखिए, वो जगहें जहां लोग 20 लीटर 30 लीटर पानी रोज खरीद कर लाते हैं अपना काम करने के लिए, और हम कहीं एक एक बूंद से 75 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये कुछ रोचक तथ्य थे पानी के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये पानी हमारी सेहत को कैसे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और इसका छोटा सा ट्रेलर मैं आपको देता हूं। हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनका कितना कितना प्रतिशत हिस्सा पानी है। हमारा ब्रेन 80% पानी है, हमारा हार्ट 73% पानी है, हमारी किडनी और हमारी मसल्स 79% पानी है, हमारे लंग्स 83% पानी है, हमारी स्किन 64% पानी है, और यहां तक कि हमारी हड्डियां 31% पानी है। और आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़कर जा रहा हूं। इन फैक्ट्स को सोचिएगा कि अगर हमारे अंग इतना इतना हिस्सा पानी है, तो फिर पानी कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारी सेहत के लिए। तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये पानी हमारी सेहत को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करता है, और क्या वो तौर तरीके व्यवहार हैं जो हम पानी के साथ अपनाएं तो हम लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को बचा के रख सकते हैं। मस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।